औरत यहाँ की औरतें झाड़ से लकड़ी लेकर घर का चूल्हा जलाती है, और घर भी देखिए किस अवस्था में है। गंदे नालियों के पास इनके घर बने हुए हैं। इन्हें न शुद्ध हवा मिलती है, न शुद्ध आहार इन्हें मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये अपने चूल्हे की चिंता इस तरह से लकड़ियों को इकट्ठा करके करती है, क्योंकि इन्हें रोज काम करने के लिए जाना पड़ता है, तो लकड़ी इकट्ठा कर घर के अहाते में रखती है। आप छोटे छोटे बच्चों को भी देख रहे हो और यहाँ औरतों को देख रहे हो, ओढ़ने के लिए भी उनके पास नया नहीं है, पुराने कपड़े लेकर के उसकी गोदड़ी बनाई जाती है और इसी गोदड़ी में वो सो जाते हैं। उनके लिए न खटिया है न ही तकिया है, इनकी गरीबी का क्या कहना। ये इतने गरीब है कि इन बिचारों को ओढ़ने के लिए नया कंबल तक नहीं मिलता, तो पुराने कपड़ों को उन्हें ही सी करके गोदड़ी बनाती है। बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, पत्थरों में घूमते रहते हैं। इन्हें पढ़ाई के लिए इनकी इन्हें चिंता नहीं है, इनके माँ बाप को भी चिंता नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के लिए अतिरिक्त खर्चा इनके पास नहीं है। इनके बच्चे आज भी ऐसे ही अनपढ़ रह जाते हैं, और ऐसे अनपढ़ बच्चे इनसे हमारे देश का क्या विकास होगा। आप सोच सकते हैं, एक घड़ी के लिए आप सोचिए कि आजादी के इतने साल के बाद भी हमारे देश की इस तरह की दुर्दशा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस दुर्दशा को देखकर आंखों में जरूर आंसू आपके भी टपकते होंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा देश जो इतना महान देश कहलाता है, जो सोने की चिड़िया कहलाती है, तो आज इस देश की दुर्दशा, आज भी यहाँ की गरीबी खत्म नहीं हो रही है। इनकी रहन सहन की चिंता क्या हमें नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे समाज का उत्थान नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे समाज को हमें प्रगति की ओर बढ़ाना चाहिए? उन्हें आर्थिक व्यवस्था, उन्हें आर्थिक मदद हमें जरूर देना चाहिए। सरकार इस तरफ जरूर ध्यान दे कि इनकी विपन्न अवस्था को हम बदल दे, उनमें परिवर्तन ला दे। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, आज 21वीं सदी में भी महिलाओं को इस तरह से मेहनत का काम करना पड़ता है। यहाँ पर औरतें छोटा छोटा पत्थर टुकड़े बना रही है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े ये इसीलिए बनाती है कि इन छोटे छोटे टुकड़ों से मकान बनाया जाता है। तो ये धूप में काम कर रही है, यहाँ के उष्णतामान को देखेंगे तो कोई भी सहन नहीं कर सकता है। आज लोग एसी में रहते हैं, कूलर का उपयोग करते हैं, लेकिन भरी दोपहर ही में देखिए आज ये महिलाएं पत्थर तोड़ रही है, तो इनका दिल क्या कहता होगा। इस उष्णता यहाँ की 45 से 48 डिग्री होती है, तो 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड उष्णता मान में ये काम करती है, तो इनमें कितनी सहनशीलता है। इनकी ये सहनशीलता किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए। देखिए बूढ़े बाबा बूढ़ी माता अपने घर के चूल्हे के लिए लकड़ियां चुन रही है। और भी देखिए, और भी हमारे देश की दुर्वस्था, ये लोग कैसे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। अगर बारिश आता है तो बारिश में ये कैसे रहते होंगे, आप कल्पना कीजिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर इनके लिए कोई पक्का मकान नहीं है, पत्थर का भी मकान नहीं है। गरीबी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमारी गरीबी कब मिटेगी? इनके बच्चे तो ऐसे ही घूमते फिरते हैं, बच्चों का इनको पेट भर अन्न भी नहीं मिलता है। इनका रहन सहन देखते हैं तो दिल बहुत ही दहल उड़ता है, बड़ा दुख होता है। आखिर ये भी तो इंसान ही है ना, तो इंसान को इंसान के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे जिनको आहार तक भरपेट नहीं मिलता है, और पौष्टिक आहार की बात तो दूर रह गई, पेट
दो रोटी मांगता है, दो वक्त की रोटी मांगता है, दो कपड़े मांगता है। लेकिन यहाँ पर देखिए डिलीवरी भी होती है, तो अस्पताल में डिलीवरी नहीं होती है, यही लोग दाई का काम करके डिलीवरी कराते हैं। आप एक शिशु को नहाते हुए देख रहे हो, शिशु को नहाया जा रहा है, दो औरतें मिल करके शिशु को नहा रही है, साथ में छोटी बच्ची भी वहां पर ठहरी है। इनकी हालत देखिए कितनी दयनीय है। इतनी दयनीय अवस्था को देखकर कोई भी पिघल सकता है। हम ये सोचना चाहिए क्या ये हमारे ही देश के नागरिक है? जब ये हमारे ही देश के नागरिक है तो ये हमारे हैं। जब हमारी भारतीय संस्कृति, ये मांसाहारी होते हैं, सुअर को पालते हैं और बेचते भी हैं। भोई वडर समाज आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अभी इसे अनुसूचित जाति में शामिल किया है, आगे भी इसे अनुसूचित जाति में ही बने रहने के लिए भोई वडर समाज सरकार से नम्रतापूर्वक विनंती करता है।